Alright everybody, it's our legend. So welcome back to another gameplay video. So भाई जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वाले एपिसोड में हमें मिल चुका था हमें एक कमरा, मतलब किसी की बात है हमें एक विलेज मिल चुका था, हमें कमरा मिल चुका था। ये मेरे बक्से है, मेरा कमरा है। और भाई आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं माइनिंग। तो भाई माइनिंग करने से पहले सबसे पहली बात यह है, वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साइड में जो बेल आइकन होता है उसको भी टर्न करके दबा दो। मैं दिखा दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं। मेरे को साइड में कुछ ऐसे दिख रहा है गड्ढा सा, बट ये शायद नहीं है, ये गड्ढा नहीं है, बट मुझे मिल जाएगा, मुझे शायद लगता है हाँ यही रहा गड्ढा, मेरे को पता था। चलो यहाँ पे एक दिन ऐसा क्रीपर सा फटा था, तो अभी नीचे मैं थोड़ा सा माइनिंग कर रहा था कल, तो मैं टॉर्च लगा लेता हूँ। मैं पहले यहाँ पे थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है, तो यहाँ पे ऊपर टॉर्च भी लग गया भाई, नीचे लग नीचे 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 चलते नीचे चल कर लगाते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है यार, चलो लगा देते हैं टॉर्च। और इधर क्या माइनिंग करना पड़ेगा क्या, आगे रास्ता नहीं है, नहीं साइड में कुछ दिख रहा है मेरे को, साइड में ऊपर जाके देखते हैं, ऊपर भी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है यार। चलो साइड में आना पड़ेगा, साइड में कभी नीचे आए थे। अच्छा यार ये है रास्ता, ये नीचे जाना है। टॉर्च लगा लेते हैं, पहले टॉर्च लगा लेता हूँ, कहाँ पर लगा, लग के नहीं रहा, अरे अरे लग नहीं रहा यार ये, चलो लग गया। अच्छा सीढ़ी था यहाँ पे, चलो सीढ़ी पे लग गया, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और ये क्या यार, अरे 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 अरे, मतलब मैंने वो लगाया और मैं नीचे आया सीधे लावा में, ऐसा कैसे हो सकता है यार। नहीं ये यार जो कुछ भी मेरे पास था हर एक चीज़ गया, वाह यार ये बात अच्छी नहीं है यार। बट मैं वहीं पे माइनिंग करके छोड़ूंगा, मैं वहीं पे माइनिंग करके रहूँगा भाई। तुम लोग वीडियो देखते रहो, पूरी वीडियो देखना, और मैं वहीं पे माइनिंग करके रहूँगा। जो हुआ मेरे साथ बुरा हुआ मेरे को मालूम है, आगे देखते हैं। ठीक है, हम आ चुके हैं फिर से उसी जगह पर, और मुझे पहले ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं चाहिए, नो मोर। ठीक है, अभी मैं साइड से चलता हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा कुछ खोदा वोदा था, पता नहीं मेरे को और भी ज़्यादा खोदना पड़ेगा। बस खाली यार पहले से स्पैम ना हो जाए कि बस मैंने ऐसा करके खोदा, बस सीधे फिर से सीधा नीचे चल गया, फिर पूरा खाई है, ऐसा ना हो बस, ठीक है ना। चलो अभी यहाँ से सीधा करके, अरे वाह रास्ता बन गया मेरे लिए, कौन सा रास्ता है क्या है, मैं फिर से ऊपर तो नहीं जा रहा, नीचे तो नहीं जा रहा, मेरे को कुछ नहीं पता भैया, मैं सिर्फ चलते जा रहा हूँ आगे। ये क्या है, रास्ता नहीं है, ये कैसा रास्ता है यार, पता नहीं, मशाल वशाल लगा रखी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अभी मेरा मेरे को कोई रास्ता वास्ता नहीं मालूम है। चलो नीचे जाकर तो पता ही लग जाएगा, नीचे चलकर, ये लावा है शायद यही है वो रास्ता, जहाँ तक ये हाँ इधर को कट दे रखा है, तो मतलब यही होगा सही रास्ता है। इधर को जाता हूँ मैं पहले, सीधे तो बंद है यार, क्या करो। अच्छा ये रहा भाई साहब, मिल गया मुझे लावा, ओ भाई साहब लावा वैली, लावा रिवर, भाई जो कुछ भी कहो मिल चुका है मुझे, ओ मैन इतना खतरनाक, और पीछे से आवाज़ भी आ रही है टुपुक टुपुक करके, यार क्या ही चीज़ है यार ये, और ख़तरनाक तरीके से मैं अगर गिर गया ना इसके अंदर, जो कुछ भी है भाई साहब हर चीज़ ख़त्म हो जाएगा। ओके गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मेरे को ये रिवर मिल चुकी है लावा की, और यहाँ पे मेरे सामने है कुछ रेड स्टोन, मैं इनको तोड़ लेता हूँ आयरन पिकैक्स से, और तोड़ने के बाद मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा और आगे चलकर देखूँगा कि वहाँ पे और भी ज़्यादा क्या क्या चीज़ें हैं। जब वो भी तोड़ने के हो जाएंगे, वो सब जब टूट जाएगा, तो हम चलेंगे दूसरे साइड लेफ्ट साइड में, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मुझे मिल सकता है, ज़रूर मिलेगा मुझे कुछ ना कुछ। चलो मैं अभी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर चढ़ने के बाद मैं देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। और यहाँ पे भी मेरे को रेड स्टोन मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं, रेड स्टोन बहुत अच्छी चीज़ है, इससे क्या होगा वो मेरे को भी नहीं पता, घर जाके पता चलेगा, इसको तोड़ लेता हूँ। ओ भाई ये क्या था, ओहो फिर गिर जाता मैं अभी, चलो इसको मैं कोबल स्टोन से बंद कर देता हूँ, इसको भी तोड़ता हूँ, इसका भी निकलेगा नहीं पता, इसको भी मेरे को कोबल स्टोन से बंद करना पड़ेगा, इसको जैसे मैंने बोला था वैसा ही हो रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी और भी ज़्यादा रेड स्टोन है, इनको मैं ले लेता हूँ, और लेने के बाद मैं चलूँगा राइट साइड में, मेरे को कुछ ना कुछ तो मिलेगा, इतना तो पक्का है कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और यहाँ पे ज़ॉम्बीज भी प्रेजेंट है। ओके गाइस, तो मेरे सामने एक ज़ॉम्बी खड़ा है, और अभी मेरे को ये रास्ता बनाना है, चलो मैं रास्ता बना लेता हूँ अभी, तो यहाँ से मेरे को और भी ज़्यादा कोबल स्टोन चाहिए, तो चलो एक्चुअली मैंने रास्ता बना लिया, और सामने ही मेरा ये खड़ा है, इसको मार तेरी भैंस की टांग, इसके मत्थे फोड़ूं, साले इधर आ चल हट, हुड़ गया साला। चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ता हूँ, और यहाँ पे शायद मुझे वहाँ पे कुछ मुझे दिखा शायद,
यू गाइस इधर देखो मेरे को क्या मिल चुका है, यहाँ पे मेरे को मिल चुका है जेम्स, वो भी तीन तीन। जी हाँ, तो मेरे को आसानी से तो ये मिलने वाला है नहीं, इसलिए मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा रास्ता, और रास्ते के लिए मुझे चाहिए कोबल स्टोन या फिर कुछ भी स्टोन। तो भाई चलो मैं पहले स्टोन जुगाड़ कर लेता हूँ, फिर मैं अपना रोड वोड बना लेता हूँ अच्छे से, ताकि वो लावा के अंदर ना गिरे। चलो भाई देखो मैंने सब बना लिया, अब मैं इसको तोड़ने वाला हूँ। चलो मैं इसको तोड़ लेता हूँ, तोड़ने के बाद वाह ये देखो मेरे को पहला जेम मेरे को मिलने के साथ साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है नरेटर की तरफ से। ओ भाई यहाँ पे लावा ऊपर आ रहा है, मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा मेरे। ओके गाइस, तो मैं दूसरी साइड से यहाँ पे आ चुका था और मुझे यहाँ पे कुछ स्टोन देखने को मिले, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगर उस साइड जाऊँ तो मुझे बहुत सी लूट मिल सकती है। तो पहले मुझे ना यहाँ से ऐसा करके रास्ता बना लेना पड़ेगा, तो मैं पहले रास्ता बना लेता हूँ। तो भाई रास्ता बनाने के बाद मेरे को ऐसा कुछ तो दिखा नहीं यहाँ पे, मेरे को सिर्फ रेड स्टोन मिले हैं। ओके गाइस, तो हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा लूट कर लिया है, तो अब आ रही है घर जाने की। तो अब हमें यहाँ से घर जाना है, हम जिस रास्ते से आए थे। तो भाई अभी तो फिलहाल मैं अभी केव के अंदर ही हूँ, अभी यहाँ से मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ से चढ़ना, बट कोई बात नहीं है, मैं चढ़ तो जाऊँगा, ये ऐसे चढ़ूँगा मैं, बिल्कुल चढ़ तो जाऊँगा मैं आसानी से। तो अभी बात ये है कि जो कुछ भी मैंने लूटा उसमें से 50% चीज़ें तो मेरे को मालूम ही नहीं है कि इससे क्या होता है क्या नहीं होता, तो वो हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो भाई फाइनली हम अपने रूम पे पहुंच चुके हैं, और जो कुछ भी मेरे को मिला है उसमें से बहुत सी चीज़ ऐसी है जो मेरे को पता नहीं, और वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि उससे क्या काम होने वाला है क्या नहीं अगले एपिसोड में। तो भाई अगले एपिसोड तक आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, और जो कुछ भी फिलहाल भी मेरे पास है वो मैं अभी के अभी अपने चेस्ट पर रख देता हूँ। सो गाइस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।